नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पोखरण में हुए भारत शक्ति युद्ध अभ्यास में स्वदेशी हथियारों की ताकत और अग्नि 5 मिसाइल की क्षमता, परमाणु क्षमता देखकर पूरे पाकिस्तान को जैसे सदमा लग गया है। कंगाली और बदहाली के दौर से गुजर रहे जिन्नालैंड ने जब से नए भारत की शक्ति देखी है, तब से आसिम मुनीर की सेना का आत्मविश्वास डगमगा गया है। जो पाकिस्तान बात बात पर एटम बम की धमकी देता था, वहां की जनता खुलकर कह रही है कि अब भारत के सामने पाकिस्तानी सेना की ताकत कहीं नहीं टिकती। स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, उसका दम भी देख रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे, तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा। एमआईआरवी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस लंबी दूरी की क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया। भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इस तरह की आधुनिक क्षमता। लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। जब सेनाओं को पता होता है कि जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर रही है, वो कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, तो सेनाओं की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। आज भारत डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। पाकिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर भारतवर्ष की परमाणु भूमि पोखरण पर तीनों सेनाओं ने स्वदेशी हथियारों के साथ अजेय पराक्रम दिखाया, तो पाकिस्तान की सरकार से लेकर फौज तक में कोहराम मच गया। जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव इस त्रिवेणी का साक्षी बना। पोखरण में भारत की ताकत देखकर पूरा पाकिस्तान थर्राने लगा है। भारत की स्वदेशी शक्ति देखकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ
असीम मुनीर की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान की सेना में फैले खौफ को आवाज पाकिस्तान की जनता नहीं देती है। मार्च को एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में महायुद्ध का ट्रेलर दिखाई दिया था। भारतवर्ष की आकाश, पिनाका और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की अग्नि वर्षा हुई और भारत के स्वदेशी हथियारों से तबाह होती दुश्मन की सेना का हश्र दुनिया ने देखा था। लेकिन इस हश्र को देखकर पूरा पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान को इतना बड़ा सदमा इसलिए लगा है क्योंकि जमीन से आसमान तक भारत में बने हथियारों का पराक्रम देखने और भारत के जांबाजों के शौर्य का साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पोखरण में हुए भारत शक्ति युद्धाभ्यास में मौजूद थे। मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने, हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं, यही तो भारत शक्ति। हमारे पायलट्स आज भारत में बने तेजस, लड़ाकू विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हमारे सेलर्स पूरी तरह से भारत में बनी पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर में लहरों के पार जा रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक्स और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, यही तो भारत की शक्ति है। पोखरण में प्रधानमंत्री के इस हुंकार और भारत के स्वदेशी हथियारों को देखकर पाकिस्तान की सेना से लेकर सरकार तक को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। भुखमरी के हालात में पहुंच गए पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि भारत के आगे पाकिस्तान सेना कहीं नहीं टिकती है। भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, यही तो भारत की शक्ति है। ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत सूची 2024 के मुताबिक भारत की सेना दुनिया में चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि पाकिस्तान की सेना 9वें नंबर पर आती है। पाकिस्तान से तुलना की जाए तो हमारे पास उनसे 3 गुना ज्यादा सैनिक हैं। भारत के पास पैरामिलिट्री फोर्स भी पाकिस्तान से ज्यादा है। भारत की पैरामिलिट्री फोर्स में 25,27,000 सैनिक हैं, वहीं पाकिस्तान में इनकी संख्या सिर्फ 5 लाख है। भारत के पास 4,641 टैंक और 606 लड़ाकू विमान है, जबकि पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक और 387 लड़ाकू विमान है। नेवी के क्षमता के मामले में भी पाकिस्तान हमसे काफी पीछे है।
का भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। भारतीय नौसेना के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे दो महाबलशाली एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पाकिस्तान आज एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में सोच भी नहीं सकता। जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। भारत का इतिहास विजय का इतिहास। इसलिए जब पोखरण में भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया तो भारतवर्ष की ताकत देखकर पूरा पाकिस्तान हिल गया। बारह मार्च को पोखरण में दुनिया ने भारत शक्ति युद्धाभ्यास में भारत की स्वदेशी शक्ति का ट्रेलर देखा और उससे ठीक एक दिन पहले 11 मार्च को अग्नि 5 ने उड़ान भरी और भारत ने अमेरिका की मिनटमैन 3 जैसी महाशक्ति हासिल करके मिसाइल के रेस में ड्रैगन जैसे दुश्मन को भी परास्त कर दिया। अग्नि 5 मिसाइल सरफेस टू सरफेस मार करने वाली भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब भारत की ICBM मिसाइल MIRV से भी लैस है। अग्नि 5 मिसाइल 17.5 मीटर लंबी है। इसका व्यास 2 मीटर का है और भारत की इस सबसे शक्तिशाली मिसाइल का कुल वजन 50,000 किलोग्राम से भी ज्यादा है। MIRV तकनीक से लैस होने के बाद अग्नि 5 मिसाइल में 1500 किलोग्राम वजन तक के करीब 10 परमाणु हथियार फिट किए जा सकते हैं। अग्नि 5 मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं, जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। अब बात स्पीड की। अग्नि 5 मिसाइल 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी भारत की ये सबसे तेज मिसाइल 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। भारत की इस अभेद्य अग्नि शक्ति की कोई काट चीन के पास भी नहीं है। इसलिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है कि अब पाकिस्तान की सेना को भारत से डरना चाहिए। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV से लैस अग्नि 5 मिसाइल से एक साथ कई टारगेट का सर्वनाश किया जा सकता है। एक साथ कई एटम बम ले जा सकने वाली अग्नि 5 मिसाइल इतनी शक्तिशाली और तेज है। इससे 12 मिनट में बीजिंग तबाह, 1.5 मिनट में पाकिस्तान का समूल नाश हो सकता है। अब तक दुनिया अग्नि 5 की शक्ति, इसकी रेंज और रफ्तार को ही मानती थी, लेकिन अब इसकी शक्ति और बढ़ गई है। अब अग्नि 5 मिसाइल एक साथ अलग अलग टारगेट पर यानी दुश्मन के अलग अलग इलाकों पर एटम बम दाग सकती है। यानी सिर्फ एक अग्नि मिसाइल से भारत अपने दुश्मन का सर्वनाश कर सकता है। अग्नि 5 को मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV से ये शक्ति हासिल हुई है। भारत के पास अग्नि सीरीज की 1 से 5 तक मिसाइलें हैं। इनकी अलग अलग रेंज है। अग्नि 5 इनमें से सबसे आधुनिक और शक्तिशाली है। One, now. +1, +2, second off.